हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे और कुछ टेक्निकल इशू भी हो गए थे, जिसके कारण मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, आज से मैं आप लोगों को रेगुलर अपडेट दूंगा और आज से आप लोग का अपडेट सेकेंडरी होगा। अब से आप लोगों को जो भी कंटेंट होगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो आज मैं जो अपकमिंग बहुत मैं बार बार मतलब पिछले एक दो हफ्तों से मैं परेशान हो गया था, ठीक है, तो मैं कैसे भी करके जो भी क्वेश्चंस हो सारे मैं कलेक्ट कर चुका हूँ। इतना श्योरिटी देता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं बीपीएससी के द्वारा जो टीचर के कंडक्ट कराया गया है, वो सारे क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर मैं कराऊंगा। फिर उसके बाद ही मैं आपको कोई अगर आपको डाउट हुआ तो उस पर स्पेसिफिक मैं आपको प्रीवियस ईयर के अलावा कंटेंट दूंगा, आप अगर वैसा चाहते हैं तो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं 93 को। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में या पिछले एक महीना पहले मैं वीडियो डाला था। ठीक है, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षक SC ST प्रारंभिक परीक्षा 22/12/96 को जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। सारे प्रीवियस ईयर को देखेंगे, एक एक प्रीवियस ईयर को देखा जाएगा और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको पहली BPSC का जो प्रीवियस ईयर है, जो ओरिजिनल BPSC का एग्जाम जैसे 69 हुआ 68 हुआ, तो वैसे आपको जो प्रेजेंट एग्जाम का सिनेरियो है और जो प्रीवियस ईयर है, वो दोनों को अगर रिलेटिवली अगर सापेक्षिक रूप में लेके चलते हैं तो एग्जाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, वो है आपका बोरबुदर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है। ठीक है, तो ये है आपका, तो बोरबुदर का जो प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है वो आपका इंडोनेशिया में है। ठीक है, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक आपको माना जाता है हिपोक्रेटस को। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। बहुत इजी क्वेश्चन है और मैं आपको एश्योर करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि मैं पैरेलली आपको BPSC का जो सेकेंड जो प्रीवियस ये क्वेश्चन है साथ में करूँगा, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लिक होगा दिमाग में और आप लोग ज़्यादा अच्छा कर पाइएगा और उस पार्ट को कवर कीजिएगा जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ से रिलेवेंट होगा। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो उनको मिला आपका भौतिक शास्त्र में। रॉकी पर्वत कहाँ पे है, तो रॉकी पर्वत आपका उत्तरी अमेरिका में है। उगते हुए सूरज सूर्य की भूमि किसे कहते हैं, तो उगते हुए सूर्य की भूमि आपको नॉर्वे कहते हैं। महाबलीपुरम के मंदिर को किसने बनाया था, तो महाबलीपुरम के मंदिर को पल्लव ने बनाया था। क्रोना क्रोन कहते हैं या क्रोना भी कह लीजिए किस देश की मुद्रा है, तो ये है आपका स्वीडन का। वृंदावन गार्डन कहाँ है, तो वृंदावन गार्डन आपका मैसूर में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ओनम। ओनम किस राज्य का त्यौहार है, तो ओनम है आपका केरल का वर्ष 1991, तो इसको छोड़ देना है, इससे आपको लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा लगभग 25%। ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी कौन सा इसमें से नहीं है, तो ब्रह्मपुत्रा का इसमें से सहायक नदी आपका दिहांग है, कामेंग है, मानस है, धनसरी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में किसकी कमी से रक्तहीनता होता है, तो आयरन की कमी से होता है। सबसे कड़ा पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कड़ा पदार्थ आपका हीरा भी है और प्लेटिनम में है, तो आपको इसमें से चूज करना, तो सबसे कड़ा पदार्थ आपका हीरा हो जाएगा। ठीक है, और महंगा इससे भी ज़्यादा होता है, हीरा से ज़्यादा प्लेटिनम होता है, इसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है, तो बिजली के बल्ब में आपका अक्रिय गैस नोबल गैस यूज होता है। अटलांटा ओलंपिक्स 1996, तो ये कोई ज़्यादा रिलेवेंट नहीं, इसको आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं, हालांकि मैं इसका आंसर आपको बताया था। इसका है डोनोवन बेली गीत सेट्टी, तो ये बिलियर्ड से हैं।
ओलंपिक 1996। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अभी भी आपको जो करंट सिनारियों में जो 2020 और 21 में, 21 और 22 में जो ओलंपिक हुए हैं उस पर आपको नज़र बनाए रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, SCH का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। निम्नलिखित में कौन शतरंज का खिलाड़ी नहीं है, तो इसमें से आपका शतरंज का खिलाड़ी बॉबी क्लोज नहीं है। एक कुंडलित हाथ की घड़ी में कौन सी ऊर्जा निहित होती है, तो एक आपका जो हाथ की घड़ी होता है उसमें आपका यांत्रिक ऊर्जा के साथ साथ, यांत्रिक ऊर्जा ही रहता है सॉरी, पोटेंशियल ऊर्जा नहीं होता है। गंधक सुगमता से घुल जाता है, तो गंधक आपका घुल जाता है इजली कार्बन सल्फाइड में, CH2 में। किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है, तो ऑब्वियसली बृहस्पति के पास है, ठीक है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने। कोल्ट किसके आविष्कारक हैं, तो रिवॉल्वर के हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है, तो फीमर है, ठीक है। किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो ऑब्वियसली आपका सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर उस समय के अनुसार है आपका पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन अभी की बात कर लें तो अभी आपका इंडिया है, ठीक है, और इंडिया काफ़ी इस पे कंट्रोल किया है, ठीक है, और नाइजीरिया इसके पहले नंबर आता है, ठीक है। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो कोल जनजाति आपका जो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो वेलिंगटन ट्रॉफी आपको दी जाती है याचिंग में। कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क में किस शिव देवता का मंदिर है, तो सूर्य देव का है, ठीक है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे हरगोविंद खुराना किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था आपको जीव विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान सॉरी, चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री ये चौधरी चरण सिंह हैं, ठीक है। उड़ीसा, ओडिसी भारत की किस राज्य की नृत्य है, तो ओडिसी आपका उड़ीसा का है। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है, तो कोसी। भारत के राष्ट्रपति के रूप निर्वाचन के लिए योग्यता की न्यूनतम उम्र क्या है, तो आपका 35 वर्ष है। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, ठीक है, पाटलिपुत्र नहीं थी। बाइसाइकिल के उत्पादन में, मतलब कि साइकिल के उत्पादन में, तो हरियाणा। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है, तो जलपोत में आपका जापान है। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश हैं, तो ये है आपका ग्रीनलैंड के। पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, तो पश्चिम समुद्र तट पे आपका है कांडला, ये सबसे गहरा भी है। कांगो घाटी किस देश, किस तरह के जलवायु प्रदेश है, तो कांगो आपका भूमध्य रेखीय है, ठीक है। एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम आपका अयस्क है बॉक्साइट का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा धर्म, कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा आपका तंत्रयान, महायान, वज्रयान और हीनयान है। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है, तो ये बोला था आपको रूसो ने। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या है, तो कलहन की जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसका विषय है कश्मीर के राजाओं का इतिहास, ठीक है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताया बताइए कि जो बौद्ध का जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तांबे का उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो तांबे के उत्पादन के लिए आपका खेतरी प्रसिद्ध है। गोभी रेगिस्तान कहाँ है, तो आपका गोभी रेगिस्तान आपका है मंगोलिया में। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या 2, अब एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट खत्म भी कर दिया गया है, ठीक है। 2021 से त्यागराज कौन थे, तो आपके त्यागराज आपके संगीतज्ञ थे। मनुष्य में सामान्य शरीर का ताप क्या होता है, तो ये आपका होता है 98.4। इंडिया गांधी एवं बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी, इंदिरा गांधी एवं बायोग्राफी पुस्तक आपको पुपल जयकर ने लिखी थी। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है, तो 52 नंबर का आपका हो जाएगा।
उस समय के अनुसार ये बिहार, लेकिन अब आपको करंट सिनेरियो से देखा जाएगा 2011 का ही चलना है, 2021 का भी हुआ ही नहीं है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है आपका पत्ती है। कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? तो ये रेबीज है, ये कुत्ते के द्वारा फैलता है। अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? तो ये डार्विन है, सॉरी, अनुवांशिकता के जॉर्ज मेंडल। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो आपका मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में। शांति वन किसकी समाधि है? तो शांति वन आपके समाधि है जवाहरलाल नेहरू का। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पे दी है? तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा बोध गया में, अच्छा कहाँ दी है, सॉरी, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सारनाथ में दी है, ग्रहण किया बोध गया में और दिया सबसे पहले सारनाथ में। मेन कैंप हिटलर का जय हिंद पर सबसे पहले, जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो ये शुरू आपका मेरठ से। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो हर्ष के बारे में आपकी जानकारी मिलती है बाण भट्ट से। किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो आपका जो पाया जाता है ये मैग्नेटाइट में। मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? तो उस समय के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा अर्जेंटीना, और अभी भी यस साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री है। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? तो ये आपका निकाला जाता है रोमानिया में। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है आपके कैस्पियन सागर। क्वीटो किस देश की राजधानी है? तो क्वीटो आपकी राजधानी है इक्वाडोर की। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो पोलैंड की राजधानी आपकी वार्सा है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो 370, जो कि अब खत्म हो चुका है, और जम्मू कश्मीर अब दो भाग में बट गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। बेंजामिन नेतायु इजराइल के, जो अब फिलहाल नहीं है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1995 किसे दिया गया था? तो उस समय के अकॉर्डिंग आपका है दिलीप कुमार को, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में किसे मिला है, ठीक है, 22 का भी अनाउंस नहीं हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण तक आपकी भारत की लंबाई है 3214 और चौड़ाई 2834 है। विश्व कप क्रिकेट फाइनल 1996 कहाँ खेला गया था? तो अभी आपको करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा आईपीएल के बारे में, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन सीरीज है उसके बारे में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ था लाहौर में, पाकिस्तान में। विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला? तो ये है आपके मोरारजी देसाई, लगभग 74 या 75 साल की एज में बने थे। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति आपका चोल कला का है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है 1996 का मैक्सेस पुरस्कार, रमन मैक्सेस, जो इसे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एशिया का नोबेल भी कहते हैं और प्रेजेंट टाइम में इसे किसे दिया गया है, ठीक है। तो उस समय के अकॉर्डिंग है आपका टीएन शेषन। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो यह महानदी पे। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? तो ये आपका 6 है। सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? तो सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप आपका सांची में है। शिंकानसेन क्या है? तो शिंकानसेन आपका जापान की बुलेट ट्रेन है, ये उस समय का करंट है, ये उस समय का, ठीक है। हिकायोटेक क्या है?
तो हिकायूटेक, ये सारे उस समय के करंट है, तो इसलिए आपको करंट पे भी ध्यान देना होगा। 1996 में दिखाई देने वाला एक धूमकेतु है। बिहार अलग प्रांत 1911 में बना, बिहार अलग प्रांत, और बिहार से उड़ीसा 1936 में हुआ, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला उस समय के अकॉर्डिंग पलामू है, लेकिन अभी जो बंटवारा होने के बाद, झारखंड और बिहार के अलग होने के बाद, पश्चिमी चंपारण है। कौन भारतीय संविधान सभा के ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं थे। भारतीय संविधान के नागरिक, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका हिंसा का परित्याग करना, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस बोले थे। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आइस हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र पर आरोह की संख्या कितनी है, मतलब कि कितने उसमें जो तीली हैं वो हैं? तो ये है आपके 24 है। भारत की महान सुपुत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको मदर टेरेसा को। ये उस समय करंट है। ऑगस्ट जनजाति है, कहाँ की ऑगस्ट जनजाति? तो ये आपका अंडमान और निकोबार का। तो भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश से, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लगभग लगभग 9 और 8 हैं। उलन बटोर किसकी राजधानी है? तो ये मंगोलिया की है। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपका 900 मीटर। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है आपका ब्राज़ील है। सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है? तो सतलज नदी का आपका स्रोत तिब्बत से है। कौन सा टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है? तो ये आपका है मानस, लेकिन अब ये भी हो गया है, ठीक है। सॉरी, ये अभी नहीं है, ये हाथी के लिए फेमस है, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि मानस कहाँ पे, बेतला कहाँ पे, नीलगिरी कहाँ पे और कान्हा कहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये आपका 96 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके समक्ष है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। आपको इसके पैरेलल जो प्रीवियस ईयर का बीपीएससी का क्वेश्चन है, उसको भी मैं शाम तक अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग पैरेलली चैनल पे बने रहें, प्रीवियस ईयर और एक बीपीएससी जो और करेंट बीपीएससी उसको देखिए, और साथ में अपना रिवीजन कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन और चैनल को डेली विजिट करें, ताकि आपको सारे प्रीवियस ईयर कहीं और देख जाने की जरूरत ना पड़े, और पूरा कर ये प्रीवियस ईयर आपको मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। थैंक यू।